हम सभी सहरिया 16 सिंगार करके पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी को आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी क्योंकि इस दिन वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं। हम सब ने पूरी तैयारियां कर ली थी और बस इधर उधर घूमकर पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी पहुँचे तो हम सब अपनी अपनी थाली लेकर पूजा स्थल पर पहुँच गए। हम सब के अंदर बहुत ही उल्लास था क्योंकि तीज का त्यौहार हर सुहागन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फिर हमने चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर महादेव, महागौरी और गणपति को बिठाया और फूल, फल आदि से अपने थालों को सजा लिया। पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे हम वैसा वैसा कर रहे थे। उन्होंने दीप में घी डालकर, बाती डालकर उसे प्रज्वलित करने को कहा और फिर सारे श्रृंगार के सामान को एक तरफ रखने को कहा और फल, मेवा आदि को एक तरफ। पंडित जी कहते गए और हम सब करते गए। उसके उपरांत हमने पान का पत्ता, लौंग, इलायची सबको एक जगह रख दिया, कलश में जल भर लिया और फिर पंडित जी अपनी कथा को कहने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम सभी देवों का आवाहन किया और उसके बाद हम सबको पान के पत्ते में चंदन, रोड़ी आदि सब रखने को कहा और फल और मेवे के साथ प्रत्येक भगवान को समर्पित करने को कहा, जैसे अग्निदेव, गणपति, लक्ष्मी माता, इस तरह। और हम सभी देवताओं को एक एक करके पान के पत्ते पर फूल, चंदन, रोड़ी के साथ भोग लगाते गए। तीज में पिड़ुकिया, अनारसा और ठेकुआ, ये तीन मेवे जरूर बनते हैं। ये हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर सारे फलों को पंडित जी ने कहा एक थाली में करके हम शिव और पार्वती माता को भोग लगाए। तो हमारे पास जितने भी फल थे, इस दिन भुट्टा का चढ़ना बहुत ही अनिवार्य और शुभ माना जाता है। इसलिए सेब, शरीफा, केला, ये सारा फल हमने माँ पार्वती और शंकर को समर्पित किए। अलंकृत है और मुंडो की माला जिन शिव जी को जटा में अलंकृत है, जो पार्वती धारण किए हुए है, शिव जी दिगंबर अर्थात नंगे आगे श्री पार्वती जी, मैं शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमनी कैलाश, हम सब हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक बड़ी ही श्रद्धा से कथा का श्रवण कर रहे थे। तब नारियल लेकर उसे मौली पर लपेटकर, अगर लाल कपड़ा होता तो पंडित जी ने कहा कि लाल कपड़े से लपेटना और अच्छा होता, पर अगर नहीं है तो हम मौली से भी लपेट सकते हैं। नारियल को मौली से लपेटा और गणेश, लक्ष्मी और महादेव जी को अर्पण किया। फिर हम सब ने मिलकर शिव जी की और पार्वती माता की आरती की और उनके जयकारे किए। आरती के वक्त पूरा कमरा गूंज उठा और फिर हमने सब आरती लिए और लेने के बाद हमने चारों तरफ उसके जल का छिड़काव किया, जिससे आरती